महापौर एवं पार्षदों के नामांकन पत्रों की समीक्षा समाप्त। अब होगा सिंबल वितरण का काम। नगर निगम के चुनाव में 14 महापौरों प्रत्याशियों सहित 246 पार्षद प्रत्याशी मैदान में। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आज नामांकन पत्रों की समीक्षा का कार्य समाप्त हो चुका है। नगर निगम के कुल 45 वार्डों में से एक या दो प्रत्याशी को छोड़कर सभी नामांकन फार्म स्वीकृत किए गए हैं। जिन नामांकन पत्रों में कमी पाई गई है, जिसमें वार्ड क्रमांक 3 की प्रत्याशी को जाति प्रमाण पत्र संलग्न करने का समय दिया गया। रीवा नगर निगम चुनाव के लिए एक महापौर के साथ 45 वार्ड पार्षद चुने जाने हैं, जिसमें महापौर पद के लिए 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान पर हैं। वहीं वार्ड पार्षद के लिए नगर निगम क्षेत्र में 45 वार्ड हैं, जिसके लिए 246 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। आपको बता दें कि 22 जून तक नॉमिनेशन वापस लेने का समय दिया गया है। इसके बाद चुनाव चिन्ह वितरण का कार्य शुरू किया जाएगा। प्रस्तुत है अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। जी देखिए, रीवा जिले के नगर निगम के अंतर्गत आज फॉर्म्स की स्क्रूटनी की कार्रवाई की गई है। अभी तक हम लोगों के पास 16 महापौर पद के फॉर्म आए थे, अभ्यर्थी 14 ही हैं। दो अभ्यर्थियों ने दो फॉर्म भरे थे, तो उनकी समीक्षा की गई। समीक्षा में उनमें महापौर पद वालों में कोई त्रुटि नहीं पाए जाने से 14 के 14 अभ्यर्थी, और क्योंकि 14 फॉर्म जब स्वीकृत हो जाते हैं तो आयोग का निर्देश है कि दो उनको पे फिर विचार नहीं करना स्वीकृत होने पर, तो 14 फॉर्म स्वीकृत हो गए हैं। और इसी तरह से विभिन्न अन्य वार्डों की कार्यवाही इसमें की गई है। प्रयास यही रखा गया है जो आयोग का निर्देश है कि छोटे मोटे कारणों से या अनावश्यक वजहों से किसी का नाम निर्देशन निरस्त ना हो, लेकिन 2-3 नाम निर्देशन पत्र ऐसे हैं जिनमें कि जाति प्रमाण पत्र उचित रूप से संलग्न नहीं है या किसी अन्य राज्य का, और आयोग का यह निर्देश है कि मध्य प्रदेश का ही अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य उसको होना चाहिए। तो ऐसे कुछ लोगों को समय दिया गया है, आज का समय दिया गया है। यदि वो समय से अपना जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध करा देते हैं तो उनके फॉर्म भी हम लोग स्वीकृत कर लेंगे। अभी ऐसे 3-4 फॉर्म विचारण में हैं, बाकी से सभी लोगों का पॉजिटिवली स्वीकृत हुआ है पर्चा, और अधिकतम उम्मीदवार जिन्होंने कि फॉर्म भरा था वो सभी निर्वाचन के लिए जाएंगे। वार्ड क्रमांक 45 की समीक्षा मेरे ख्याल से अभी जारी है। हम लोग जब 45 वार्डों में कैंडिडेट्स की सूची मैं आप लोगों को उपलब्ध करा देता हूँ। बिल्कुल नंबर में मेरे को वो नहीं है, लेकिन मैं आपको सूची उसकी दे देता हूँ।